रोजगार भी देने का काम किया था, लोग रोजगार के पहले किया था अपनी सरकार में, जिससे कि उनको बाहर प्रदेशों में पलायन न करना पड़े। बहुजन समाज पार्टी एक तरफा आपकी बार उसके पक्ष में वोट पड़ रहे हैं और जो दो चरण हो चुके हैं, आज की भी जो अभी तक एक घंटे पहले तक की हमने खबर ली थी, एक तरफा बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में वोट पड़ रहा है और हम लोग हर 100% आश्वस्त हैं कि अब की बार पूर्ण बहुमत की सरकार 2007 में जितनी सीटें पाए थे उससे कहीं अधिक सीटें पा करके। और सर कितनी सीटों के साथ चुनाव? देखिए, हम लोग सीटों की गिनती नहीं बता सकते, पर पूर्ण बहुमत की सरकार और बहुत अच्छी मार्जिन से हम लोग बना रहे। सरकार बनने के बाद सबसे पहला कार्य? देखिए, सबसे पहला कार्य मैंने बताया कि बहन मालती जी ने खुद ही कह दिया है, सबसे पहले हम बेरोजगारी दूर करेंगे, कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करेंगे, किसानों को उनका हक दिलाएंगे, महिलाओं को शिक्षा दिलाएंगे, ये सारे कार्य जो उसी में आ रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल, आरोप है कि बीजेपी के लिए सपा बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है। देखिए, आपने शायद एक घंटे हमको सुन लिया, पौन घंटे, और सुन लिया कि हमने किसके बारे में कहा है और क्या कहा है। भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई उखाड़ के फेंक रहा है उत्तर प्रदेश से, तो वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी। तो उनसे मिले हुए हैं, तस्वीरें बयां करती हैं, उनके आपस में एक दूसरे की वार्तालाप बयां करती है कि वो लोग एक दूसरे की ए और बी टीम भी है और एक ही सिक्के के दो पहलू। थैंक यू सर।